यार हमारी पूरी भरी हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अब एक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत मेहनत से बनी है और अभी आधा अधूरा काम हुआ है। देखो ये है हमारा कैंप, करने जा रहे हैं फिशिंग, देखते हैं मछली आई है नहीं। हमारी थार है ये, मतलब हमारे दोस्त की थार है ये, हमारा जो ट्रैवल पार्टनर है सत्यम। और ये देखो क्या बना रखे है भाई थार, इसमें भी व्लॉग मिलेंगे आपको, विंटर स्पीति करेंगे इसमें जल्दी। आज कुछ प्लान किया है, मिल लेते हैं। हॉर्न क्यों मार रहा भाई? सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो आज का क्या सीन है, मतलब देख रहे हो क्या चीज हो रखी है, मतलब थार हमारी पूरी भरी हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं? गैस करो कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं देखते हैं कहाँ जिंदगी लेके जाएगी। हाँ तो मतलब इतना सारा सामान भरा है और ये सारा सामान हमारा जो है ट्रेवल से रिलेटेड है, कैंपिंग वगैरह, मतलब सब कुछ पूरा सामान है, ए टू जेड कैंपिंग का सामान है। बस एक चीज की कमी है, वो चीज क्या है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं क्या चीज है वो। और अभी हम जा रहे हैं मिनी पेंगोंग वाली लोकेशन पे, जो मैंने वीडियो डाली थी मिनी पेंगोंग लेक वाली, तो उस वाली लोकेशन पे जा रहे हैं। वहां पे हम करेंगे कैंपिंग, बहुत जबरदस्त मतलब सेटअप करना आज हमने, ये पूरा सामान है जो हमारा अनबॉक्स कर देंगे हम वहां पे। तो अभी हम जा रहे हैं मिनी पेंगोंग वाली लोकेशन पे। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा मिनी पेंगोंग लेक वाला, तो वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा तो देख लेना, वो बहुत जबरदस्त लोकेशन है। तो अभी चलते हैं मिनी पेंगोंग लेक। रोड है क्या है? ये होता है भाई ऑफ रोड का फायदा, ये होता है 4x4 का फायदा। कम से कम हमारे आधे से ज्यादा टायर पानी में थे, निकल गए बट फिर भी। और सामने का व्यू चेक करो भाई, सामने का व्यू क्या जबरदस्त है, बादल ही बादल और पहाड़ों के ऊपर बादल, तो और जबरदस्त है भाई। अभी हमारे साथ एक सीन हो गया है, जो लोकेशन पे हम जा रहे थे वो मुझे लगा कि आगे है आगे, और मैं इसको आगे आगे लेके जाता रहा, बट मेरे दिमाग से निकल गया था कि वो लोकेशन थोड़ी और पीछे थी, मतलब मैं इस वाले रास्ते से इधर से आया था बट गया उस साइड से था। तो अभी ऐसा हुआ कि हम 8 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं और हम वापस अब उधर जा रहे हैं 8 किलोमीटर दूर वापस। और ऐसे लग रहा था कि हम आज रियल लेक में ना पहुंच जाए, पेंगोंग लद्दाख ही लगा देनी थी आज हमने गाड़ी। पत्थर गिर रहे भाई ऊपर से, पत्थर नीचे लैंडस्लाइड हो रखी थी। सो फाइनली लोकेशन में पहुंच चुके हैं अपने, और गाड़ी का हाल दिखाता हूँ, वो गाड़ी का क्या हाल हो चुका है आते आते। आपको दिखाते हैं अपनी गाड़ी की हालत, की हमने क्या हालत कर दी अपनी गाड़ी की आज ऑफ रोडिंग करके। ये देखो भाई क्या हाल कर दिया हमने अपनी थार का पूरी पूरी मिट्टी में, पूरी अंदर तक भाई मिट्टी घुस चुकी है, इतने जबरदस्त ऑफ रोड किया आज। और हम आ चुके हैं अपनी मिनी पेंगोंग वाली लोकेशन पे, ये देखो ये रहा हमारा मिनी पेंगोंग लेक, और आज हम यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे और यहीं पे बढ़िया सा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बढ़िया से कैंपिंग करेंगे आज जंगलों के बीच में, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो धूप, और आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है क्योंकि बारिश चल रही थी, तो इसके कारण कर नहीं पा रहे थे कैंपिंग, काफ़ी दिन से प्लान था, तो आज फाइनली हम कर रहे हैं।
और आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया है, आज धूप निकल गई है बहुत अच्छे से। और अभी हम चेक कर रहे हैं कि किस साइड टेंट लगा सकते हैं हम प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी भी कच्ची है कहीं कहीं, क्योंकि पानी है और बारिश है। ये ना हो कि ये पानी है जो ये अंदर घुस जाए, और तो थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलना है। तो अभी लगाते हैं कैंप जल्दी से। सो कार में से फाइनली हमने मतलब सारा सामान निकाले, सारा तो नहीं, सारा तो बहुत सारा सामान है, ये देखो बहुत सारा सामान है, बहुत सारा। ये हमारा पावर बैंक बड़े वाला, एक तरीके से हर चीज़ चार्ज कर सकते हैं इससे। ये हमारे बैग्स वगैरह हैं, ठीक है, और ये हमारा सिलेंडर, एंड ये पोर्टेबल वॉशरूम, ये ऑयल के लिए काम आएंगी, और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे चेयर होगी, कैंपिंग चेयर होगी दो, और भी बहुत सी चीज़ें। ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त है, ये हमारी फिशिंग स्टिक, हम इधर फिशिंग भी करेंगे। और अभी हम सेटअप करते हैं, और तो जल्दी से भी हम अपना कैंप सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है, फिर आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि हाँ भाई क्या क्या सामान है हमारे पास जो कि यूज़ होता है कैंपिंग में, बेस्ट रहता है और ज़रूरी होता है कि हाँ भाई ये सामान ज़रूरी है। सो आपको अब एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत मेहनत से बनी है और अभी आधा अधूरा काम हुआ है। बाकी ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई, इसे को बोलते हैं शेल्टर। एक तरीके से हम इसको गाड़ी पे भी लगा सकते हैं, अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, और बहुत सही है ये। और ये हमारी कैंपिंग चेयर, ये टेबल, ये फिशिंग स्टिक है हमारी, और मज़ा आ रहा है। बट थोड़ी सी गर्मी अब ज़्यादा हो चुकी है, तो गर्मी भी लग रही है काफ़ी। अब देखते हैं और क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम क्या करते हैं दिखाते हैं आपको, ऐसे होता रहेगा तो आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं हम। और आज हम जंगल में कैंपिंग करने आए हैं, ये देखो ये जंगल और ये लेक है एक तरीके से, ये देखो। और हमारे सिवा इधर कोई नहीं है, इधर पास में गांव पड़ते हैं, मतलब थोड़ी सी आगे जाके इधर को भी और उधर को भी, मतलब इस साइड मेरे पीछे वाली साइड और मेरे आगे वाली साइड भी गांव पड़ते हैं, बट वो थोड़ी दूर दूर है। तो अब देखते हैं कैसा मज़ा आने वाला है इधर। गर्मी में हो चुका है बुरा हाल, और एक चीज़ फिर से दिखाते हैं आपको, ये देखो ये है हमारा कैंप, और कैंप है ये चार बंदों वाला, मतलब इसमें चार बंदे आराम से लेट सकते हैं खुले डुल्ले होके। अब इसके ऊपर हम इसकी जो शेड है वो, मतलब जो इसकी तरपाल आएगी इसके ऊपर, जो इसका एक और टॉप आएगा, तो वो डाल के प्रॉपर फिर आपको दिखाएंगे। और ये अभी हम एक जस्ट सिर्फ एक लगा के देख रहे हैं, कैंप सेटअप करके देख रहे हैं कि कैसे होता है, एक तरीके से एक टेस्टिंग ब्लॉग है ये सब आइटम का। तो अभी ये हम टेस्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे होता है, ताकि जिससे हमें इन फ्यूचर हम जो हमारे ब्लॉग आएंगे जबरदस्त जो आने वाले हैं, तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा पोर्टेबल वॉशरूम, ताकि जिससे इन्वायरमेंट कोई गंदा ना हो, तो ये हमारा पोर्टेबल वॉशरूम है, देखो है ना ज़बरदस्त। पिकनिक मना सकते हैं हम इधर आराम से, एक पूरा दिन निकाल सकते हैं, बढ़िया, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ही, मतलब पूरा एक पूरा डे, एक पिकनिक का नाइट भी उसमें स्पेंड करेंगे हम, और पूरा प्रॉपर मॉर्निंग से लेके रात तक, और फिर अगली सुबह फिर हम निकल जाएंगे। तो वैसे ही कुछ करने वाले हैं, व्लॉग बनाएंगे कुछ बढ़िया सा, तो आने वाला है। अगर वो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना कि हाँ भाई व्लॉग चाहिए ऐसा, कि पूरा पिकनिक वाला, और इस लोकेशन पर कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, जिनको पता है वही आता है सिर्फ। जंगली मुर्गे की आवाज़ आ रही है भाई, हाँ जंगली मुर्गा है, जंगल में से आवाज आ रही है जंगली मुर्गे की। आ गया भाई पोर्टेबल वॉशरूम, इसको मैं से, ये देखो है ना सही, इसमें बंदा खड़ा हो गया आराम से नहा सकता है। तो अब हम बैठे हैं अपने टेंट के अंदर, और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अब हम अपना इन्फुलेटर बेड फुलाने जा रहे हैं, और चार बंदों के अकॉर्डिंगली तो बहुत बड़ा है ये, चार बंदे की जगह इसमें छः बंदे आराम से, मतलब
लेट सकते हैं अगर ठंड हो तो। गर्मी में तो खुला खुला होगा, चार बंदे बड़े आराम से सोएंगे इसके अंदर। और ये हमारा बेड है, कितने बंदों वाला है? बंदे सोते हैं दो बंदों वाला, सही है। तो ये अब अपना गद्दा फुलाएंगे, देखते हैं कहीं से पंचर ना हो। बस आ रही है हवा भाई, देख फूल रहा है, फूल रहा है, हल्का हल्का फूल रहा है। ओ ज्यादा भी ना फुला दियो, कहीं पहाड़ी दे। रॉकेट में से धुआं निकल गया। सही है यार ये तो। चलो भाई सो रहा हूँ मैं, गुड नाइट। सो गया तो मैं काम कौन करेगा फिर। चल सकते हैं कुछ खाने के लिए बना ले, भूख लग रही है अब, गर्मी में बुरा हाल हो गया। करने जा रहे हैं फिशिंग और देखते हैं मछली आएगी या नहीं आएगी। गाइस फाइनली हमारा सेटअप पूरा हो चुका है कैंपिंग का, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या कैंप सेटअप किया है हमने। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा टेंट, जिसके अंदर हम चार बंदे आराम से लेट सकते हैं, छह भी लेट सकते हैं। और ये इसकी विंडोज़ हैं, और वो भी एक विंडो है इसकी, और वो हमने अंदर इन्फ्लेटर बेड रखा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ घूम के दोबारा। और ये है हमारा वॉशरूम पोर्टेबल, जिसमें हम नहा सकते हैं, पानी पुनी का जुगाड़ हो जाता है अंदर, वो भी पोर्टेबल बैग्स आते हैं जिसके अंदर वो करते हैं। हाँ, और ये हमारा टेबल, और इसको बोलते हैं एक तरीके से शेड होगी हमारी गाड़ी के साथ, और इसको ये अलग भी लगा सकते हैं हम। और ये हमारी चेयर्स वगैरह होगी, और ये हमारे सत्यम भाई, ये सत्यम भाई का चैनल है, जाके फॉलो करना भाई को, ठीक है। बढ़िया बढ़िया व्लॉग डालता रहता है सत्यम भाई भी अपना, ठीक है। और उसमें खाने पीने का सामान अभी कुछ खाएंगे पियेंगे, खा लेते हैं, भूख लग रही है। और अपने थार दो मिनट खा लेते हैं पहले। और ये अपनी थार, कुछ मिसिंग लग रहा है आपको? यहाँ से भाई ने दोनों सीटें ही उड़वा दी, दोनों सीटें ही गैप कर दी। ये है अपना चार बंदों वाला टेंट, उसके अंदर अपना है इन्फ्लेटर, अपना बेड जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। बिस्कुट खाने से रोक नहीं पा रहा हूँ भाई मैं अपने आप को, सॉरी इस चीज़ के लिए, बीच में आवाज़ आ रही होगी चर चर चर। और अभी हम लेने जा रहे हैं ड्रोन शॉट, बढ़िया सा ड्रोन शॉट लेंगे। और ये सामने है अपनी मिनी पेंगोंग, जो मैंने आपको बताया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड के लिंक में आ रही होगी, तो देख लेना। इधर मैं अपनी बाइक लेके आया था, जो कि बहुत मज़ा आया था उस राइड में भी, हमें राइड करने आए थे तो इधर भी रुके थे, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आपको नियर बाई चंडीगढ़ आनी हो तो नियर बाई चंडीगढ़ है ये लोकेशन, अगर आपको आना हो तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको प्रॉपर इसकी लोकेशन बता दूंगा कि कैसे है क्या है। और काफ़ी अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, कुछ इतना गंद मंद नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो इसलिए भी गंद नहीं है इधर। और भाई सेटअप देखो क्या मज़ा आ रहा है, और सत्यम भाई लग रहा है पूरा जंगली। भाई ना सही।
ऐसे जा रहा है जैसे बच्चे को पकड़ना है। तेज जा, पता नहीं लगता ना, हवा के साथ मुड़ जाती है, हवा का प्रेशर है ना। कैच कैच तो अभी हम खेल रहे थे फ्रिजबी, और फ्रिजबी बोलते हैं ना इसको, हाँ फ्रिजबी, तो बहुत मजा आया। और हवा चल रही थी तो इधर उधर भाग रही थी, सत्यम तो ऐसे कैच कर रहा था जैसे छोटे बच्चे को नहीं पकड़ते वैसे कैच कर रहा था। सो अब जाने का टाइम आ गया और सारा सामान हमने पैक कर लिया है। बस एक टेस्टिंग ब्लॉग था सामान का कि हाँ भाई कैंप अच्छा है, अपना मैट्रिक्स अच्छा है, कुछ लीक वगैरह तो नहीं है और सब कुछ अच्छा है ना, और लगाने का तरीका भी देख रहे थे। तो ये लर्निंग ब्लॉग था हमारे लिए, तभी तो तुमको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। और ये सब पैक हो चुका है जल्दी जल्दी, और भाई मौसम कितना अच्छा हो गया है, इधर आना पड़ेगा एक बारी कैंपिंग करने पक्का। और जिसको आना है कमेंट कर देना कि हाँ भाई कैंपिंग पे आना है, ठीक है। तो फाइनली सारा सामान पैक हो चुका है और अब घर जाने का टाइम आ चुका है। और ये देखो कहाँ गया सब सामान, सिर्फ इस गाड़ी में आ गया भाई, वो कह रहा है कहाँ, सारा इस गाड़ी में आ गया सामान, ये देखो सारा भर दिया हमने इसके अंदर। और इतना पोर्टेबल है ना सारा सामान कि, और सामान इतना सारा है कुछ नहीं बोल सकते, जो भी आप आइटम बोलोगे ना कैंपिंग की सब अवेलेबल है हमारे पास सब। और सामने का व्यू देखो भाई क्या खूबसूरत व्यू हो चुका, अब कितना मज़ेदार व्यू है, देख रहे हो सामने कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। आना पड़ेगा इधर कैंपिंग करने, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो दूर आपको दिख रहे होंगे उधर फिश पकड़ रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कम है बहुत, मतलब ना गहराई कम है उधर, बट गहरा बहुत है ये, बहुत दूर तक।